सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेवलर्स, बाइक लवर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए होने वाली है। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, माय नेम इज अनुभव एंड यू आर वाचिंग द अननोन आर्टिस्ट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली एक न्यू बाइक परचेज करी है, दी ऑल न्यू हिमालयन 450 टू 2024। तो यार, अगर ऑफ रोडिंग और लॉन्ग राइड्स की बात करी जाए देन देयर इज ओनली वन बाइक इन इंडियन मार्केट इस सेगमेंट में जिसने टूरिंग बाइक्स और ऑफ रोडिंग बाइक्स को पहचान दी है, दैट इज हिमालयन। और यार, जब भी हम हिमालयन का नाम सुनते हैं तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज इमेजिन होती है कि ये बाइक रोड्स के लिए नहीं बल्कि पहाड़ों पे कुदाने के लिए बनी हुई है। तो एज यू नो कि हिमालयन का एक पुराना वर्जन भी था जिसकी मैसिव सक्सेस के बाद कंपनी ने एक नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया नवंबर 2023 में, जो कि और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स लुक के साथ आ चुका है। तो यार, बहुत बातें हो गई, अब सीधे बाइक पर आते हैं। तो कंपनी ने इस मॉडल में, इस वेरिएंट में 5 कलर ऑप्शंस दिए हैं, जो कि है हेनले ब्लैक, कॉमेट व्हाइट, काजा ब्राउन, स्लेट पॉपी ब्लू, स्लेट हिमालयन सॉल्ट। एंड द प्राइसिंग इज लाइक हेनले ब्लैक विल कॉस्ट यू 3.38 लाख, कॉमेट व्हाइट ये वाली आपको पड़ेगी 3.35 लाख, और काजा ब्राउन सबसे कम नाम का जो कि 3.17 लाख, स्लेट पॉपी ब्लू आपको पड़ेगा 3.23, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और स्लेट हिमालयन सॉल्ट आपको पड़ने वाला 3.28। प्राइसिंग थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है सिटी वाइज। टू बी क्लियर, सारे वेरिएंट्स में जो फीचर्स हैं वो पूरा का पूरा सेम हैं, बस आपका जो अंतर है प्राइसिंग का वो इट्स बिकॉज ऑफ कलर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल चेंजेस। टेक्निकली अगर आप फीचर्स की बात करते हो, आउटर लुक्स की बात करते हो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ओल्डर वर्जन, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इसमें आपको 452cc का इंजन देखने को मिल जाता है, विच विल मेक यू फील लाइक आप कोई एग्रेसिव सुपर बाइक चला रहे हो। पुराने वाले मॉडल में ब्रेकडाउन बहुत बार देखने को मिले थे चीज को लेकर, फ्रेम्स को लेकर, बट इस बार कंपनी ने इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है। सस्पेंशन इसमें आपको शोवा के मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही हाई क्लास का सस्पेंशन होता है। फ्रंट में आपको मिल जाता है यहाँ पे USD फॉक्स ऑफ 43mm डायमीटर। पीछे में आपको स्टील मोनोशॉक मिलता है, जो कि बढ़ाकर अब 200mm कर दिया गया है। और इस बाइक में सबसे ज्यादा नोटिस किया जाने वाला पार्ट है इसका एग्जॉस्ट, जो कि देखने में ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है भाई कि किसी स्पोर्ट्स बाइक का मॉडिफाइड एग्जॉस्ट हो। और क्योंकि इसके जो एग्जॉस्ट का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है और हायर एंगल पे है, दिस इज वाई इसमें आपको 230mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। गाइस, टायर्स का किसी भी बाइक में बहुत बड़ा रोल होता है, और ये तो ऑफ रोडिंग बाइक है, तो यहाँ पे टायर्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है। सो बैक में आपको यहाँ पे 140 सेक्शन में 17 इंच देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में है 21 इंच, और मोटे मोटे ग्रिप्स दिए हुए हैं ताकि ऑफ रोडिंग करते वक्त आपकी जो ग्रिपिंग हो वो बहुत ही अच्छी हो। रियर पेडल डिस्क कम्स विद 270mm डिस्क ब्रेक, और फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और क्योंकि बाइक बहुत ज्यादा हैवी है तो डबल डिस्क ब्रेक होना विद डुअल चैनल ABS वो तो होना लाजमी है। गाइज, आई वॉन्ट से एनीथिंग, जस्ट हैव अ लुक एट द मीटर। यार, इतना कूल और क्लासी लुक मैंने अभी तक किसी बाइक में नहीं देखा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वेन एवर यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग आप ABS को ऑफ कर सकते हो ताकि जो ग्रिप है आपको सॉलिड मिले। यार, मैं ऑलरेडी एक बार लद्दाख कर चुका हूँ विद द ओल्डर वर्जन ऑफ हिमालयन, और तब तक मुझे ऐसा फील होता था कि उसमें बहुत ज्यादा पावर है, अनलेस अंटिल आई सेट ऑन दिस बाइक। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे होश उड़ गए थे जब मुझे पता चला कि इसमें 16 BHP ज्यादा पावर दिया हुआ है एज कम्पेयर टू द ओल्डर वर्जन ऑफ हिमालयन, यानी 24 BHP से सीधा 40 BHP। टॉर्क 14 Nm की हो चुकी है, तो वाइल्ड राइडिंग आज जो डिफरेंस है वो फील कर पाओगे वेदर यू आर राइडिंग इन अ सिटी और इन अ माउंटेन। इट्स नॉर्मल कि अगर आप किसी वैली में चला रहे हो तो उसका जो पावर है वो नेचुरली डाउन होता ही होता है 10-30%, बट स्टिल अगर आप 40-30% निकालते हो तो वो होता है 28 BHP, जो कि पुराने वाले मॉडल के ओवरऑल BHP से बहुत ज्यादा है। और 442cc का हाई पावर इंजन है तो 6-speed गियरबॉक्स तो डिजर्व करता ही करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लो एंड टॉर्क इस बाइक में मिसिंग है, विच मीन्स कि अगर आप लो स्पीड पे चलाते हो, हाई गियर देखे, तो बाइक बंद होने के चांसेस हैं और पावरलेस भी फील होता है। बीइंग ऑनेस्ट, मैंने इस बाइक को अभी तक 700 किलोमीटर के आसपास चला दिया है, और यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है तो ये बाइक आपको आउट ऑफ कंट्रोल होने पर मजबूर कर देगी। यार, एक और चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि शॉर्ट हाइट वालों को इस बाइक को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। पहली चीज, क्योंकि ये बाइक बहुत ज्यादा हैवी है, अराउंड 200 kg, बट द मेन थिंग इज इसका जो सीट हाइट है वो है 825mm टू 845mm। ऑल्दो जो सीट्स है वो है एडजस्टेबल है, बट फिर भी दिक्कत होने वाला है। बट एक गुड न्यूज़ है कि एक और वेरिएंट आता है, नॉट ऑफ बाइक बट इस सीट का, और सीट का जो हाइट है वो है 805mm, जो कि इसी सीट का जो कुशनिंग है, जो थिकनेस है, उसे कट करके बनाया गया है। और अगर आप मेरी तरह ही लॉन्ग टूर करते हैं, लॉन्ग राइड्स करते हैं, तो यहाँ पे सीट के बैक साइड में आपको एक कंपनी फिटेड टॉप रैक देखने को मिल जाता है,
जिस पे आप मैक्सिमम 7 kg तक वेट लोड कर सकते हो। ऑल्सो जो टैंक है और उसका शेप है वो कम्प्लीटली बदला हुआ है। एज यू कैन सी इसका शेप है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज कर दिया गया है विद अ टैंक कैपेसिटी ऑफ 17 liters। लाइक एज आई सेड बिफोर वीडियो के स्टार्टिंग में कि कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक है ये पुराने वाले से, तो हैंडलिंग पोजीशन जो इसका है वो ऊपर की तरफ कर दिया गया है ताकि जो कम्फर्ट है आपको लॉन्ग राइड्स में वो बहुत ज़्यादा मिले। जाते जाते मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर सिर्फ जो बाइक मैंने ली है उसमें इशू है, कि जब भी मैं अपनी बाइक को किसी ब्रेकर से क्रॉस करवाता या फिर किसी गड्ढे में मेरी बाइक पड़ती है तो इसका जो हैंडल है वो जर्क मारता है, एक अच्छा खासा साउंड आता है। और ये बताना मैंने बहुत ज़रूरी समझा आप सभी को क्योंकि ये एक जेन्युइन रिव्यू वीडियो है, बट इस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि शायद इसका कोई नट हो जो ढीला हो। सो इसकी जो फर्स्ट सर्विस है वो बाकी है तो शायद वो ठीक हो जाए। So that's all for today's video. So the main question is, buying it was worth it or not? The answer is definitely yes. हाँ, इसमें कुछ minor issues हैं, जो है इसका ट्यूब वाला टायर और हेडलाइट का लो बीम थोड़ा कमज़ोर है, बट वो फिक्स किए जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यार वीडियो कैसे लगी और बाइक कैसे लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई गलती हो गई हो तो भाई को माफ़ कर देना। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल चेंजेस। सो टेक्निकली अगर सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेवलर्स लवर्स। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है